इसका पालन था, तो आप जब तक उस पर नहीं आएंगे राजा प्रचंड पर, ऋषभ देव जी के नौ पुत्र हैं, नौ युगेश्वर संवाद, ये नौ पुत्र जो ऋषभ देव जी के एक दिन विचरण करते थे, संत महापुरुष हैं, पहले के महापुरुष ऐसे विचरण तो नहीं करते थे जैसे हम लोग करते, महीनों महीने से टिकट बुक हो जाता है, पहले से सूचना होती है और सब व्यवस्था होती है, आजकल तो वैसे साधु बनने में बड़ा आराम है ना। हमारे गुरु जी वृंदावन से बम्बई से वृंदावन आया थे ट्रेन से, और सूरत आया, बड़ौदा आया, नवसारी आया, रतलाम आया, जो स्टेशन आवे 10-50 भक्ता जाए माला पहनावे और मारा फल फूल रखे जय जयकार करे, तो सामने उस समय फर्स्ट क्लास होता था, फर्स्ट में सीट होता नहीं था, एयर कंडीशन रहता नहीं, सामने के सीट में जो कॉलेज के लड़के बैठे थे इधर गुरु जी और प्रभुदान जी महाराज, वो दोनों बच्चे जब 3-4 स्टेशन निकल गए कॉलेज के बच्चे, तो महाराज जी के साथ व्यंग करके कहते हैं, बोले बाबा जी बनने में बड़ा आनंद, कुछ करना नहीं धरना नहीं, जहाँ जाओ माला, जहाँ जाओ फल, जहाँ जाओ दक्षिणा, जहाँ जाओ जय जयकार, बड़ा इसको व्यंग कर रहे थे जैसे बच्चों का स्वभाव होता है कॉलेज के बच्चों का, लेकिन हमारे महाराज जी का तो विलक्षण स्वभाव था, तभी उनके जीवन में रोष हमने देखा नहीं, महाराज जी भी रोष कराए उनकी बात को सुन करके और उनको बोले कि इतना आनंद है तो देवी क्यों कर रहे, अगर इतना आनंद है तो आ जाओ ना हमारे संप्रदाय में, कहने का क्या है। तो मैं कह रहा था कि देखो मैं तो कभी कभी लगता है कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, पहले के संत महापुरुष इतनी तपस्या करते थे, इतनी साधना करते थे और उन पर कृपा करते थे, आज तो मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कोई बहुत कोई साधना कर रहे हैं कर रहे हैं, इतना जरूर है कि उनकी चर्चा करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि जैसे एक अपने अयोग्य बच्चे के भी माँ दोष द्रोण छिपा करके उसके महाराज का पूरा ध्यान रखते पालन पोषण का, यह है भगवान से जुड़ने का लाभ। भगवान से आप अगर जुड़ जाए तो अयोग्य बच्चे भी रहेंगे तो भी भगवान आपका पूरा ध्यान रखेंगे, योग हो जाए तो कहना ही क्या, जरूर ये भगवान का प्रभाव, ये भगवान की करुणा है। तो नौ योगेश्वर स्वतंत्र विचरण करते थे महाराज, और विचरण करते हुए एक दिन स्वाभाविक विदेहराज निमी जो जनक जी के वंशज थे उनका यज्ञ चल रहा था, वहां यज्ञ में स्वाभाविक ही पहुंच जाते हैं, और जब वहां पहुंच गए तो विदेहराज निमी ने सभी ब्राह्मणों के साथ करके उनका स्वागत सत्कार किया, बड़े विरक्त महात्मा थे और नौ महात्मा एक साथ आ जाए, बड़े तेजस्वी और बड़े विरक्त, स्वाभाविक है किसी भी गृहस्थ को आनंद होगा जो आस्तिक गृहस्थ होगा, आस्तिक इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, आस्तिक आस्तिक गृहस्थ न होगा तो महात्माओं को देख करके लोग चिढ़ते भी, कुछ रोटियां बाबा जिनके पास जो पहले था वो कहते थे, बोले एक बार आप पत्ते जगह में चले गए हम भिक्षा मांगने, और वो बिना करते तो पत्ते तो पत्ते सब जगह जाने होता था, बोले भिक्षा मांगने लग गए तो सामने जो घर में रहते थे लोग वो महाराज ऐसी बातें बोले, और इतना बड़ा मुस्तंडा आलसी हो गया है, काम करने का मन नहीं होता है, मांग के खा रहा है काम को नहीं करता, बोले हमने कहा माई काम मिलता नहीं क्या करे, बोले काम नहीं मिलता हमारे काम का कैसे काम नहीं मिलता, बोले थोड़ी देर काम किया फिर उसका दूसरा भाई आया जो थोड़ा आस्तिक था, तो उसने डांटा, बोले महात्मा से काम कराता भोजन करा, पहले का क्या है, ये महात्माओं का तो पहले विचरण का उद्देश्य था, और भिक्षा माने मधुपरी जिसको हम लोग कहते थे जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था वेदांत से जो देहाध्यास छूटेगा तो छूटेगा ही, भिक्षा मांगने में ही आधा देहाध्यास छूट जाता था, तो मान अपमान तो जगह मिलता परिचित में ही सम्मान मिलेगा, और हम लोग प्राय आजकल परिचित में जाते हैं, परिचित में जाए तब ठीक साधुओं का पता लगता है, परिचित में मान लीजिए जहां भी जाएंगे तब आधा नहीं करेंगे, बड़े बड़े वेदांतियों को आप थोड़ा पहले अभी जैसे सम्मान में बोल कर कहे गए, थोड़ा अपमान में बोल करके फिर कहिए कि महाराज जी प्रवचन शुरू किया जाए, फिर महाराज जी के वेदांत निष्ठा का पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, सब सम्मान मिलना सबको ठीक हो रहा तब तक तो सब ठीक है, तो ये जो महाराज नव योगेश्वर थे अपरिचित थे लेकिन बड़े प्रभावी थे, पहुंच जाते हैं, जैसे वहां पर पहुंचते हैं महाराज
विजयराज जिमी की आम नमस्कार को उनका स्वागत किया, सम्मान किया, अंदर यज्ञशाला में जाकर को उनको बैठाला, चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करके उन्होंने प्रश्न किया, देखो कोई साधु महात्मा आवे ना तो उसका लाभ मिलना चाहिए। यदा तदा अच्छे महापुरुष मिलते, संत तो हमेशा रहते हैं, लेकिन सदगुरु जिसको कहा जाता है, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे, जैसे पूज्य रामकृष्ण जी महाराज थे, ऐसे सदगुरु यदा तदा मिलते, हमेशा भी मिलते, उनका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने यज्ञ को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया और उनसे अपना प्रश्न किया, और प्रश्न में विनय कितना था, बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान उनसे कहते हैं महाराज, यदि यहां रुपये समम, यदि मैं इसके लायक हूं, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं और आप कृपा करें तो मेरा एक प्रश्न है। देखो पहले कितनी विनम्रता का निवेदन किया, कितने विनय कहे, नहीं कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इतना बड़ा राजा हूं तो महात्मा लोग तो सुनाएंगे ही मैं जो कहूंगा, ऐसे नहीं। तो आपने कथा सुनी होगी, एक जगह एक ऐसे राजा के यहाँ एक महात्मा पहुंच गए विचरते हुए, विचरण करते हुए, तो राजा अपने आसन पे बैठे रहे, महात्मा को नीचे आसन दे दिया, बैठा लिया, तो उसे दूध पानी के बाद राजा ने कहा, महाराज ईश्वर होता है? बोले होता है। बोले क्या करता है? और महात्मा देव ने बैठा तो ऊपर है और प्रश्न तो मेरे को नीचे बैठा के पूछ रहा है, परंपरा तो गलत है। महात्मा ने कहा, राजन तो मेरे को गुरु मान के पूछ रहे हो या शिष्य मान के, बड़ा मान के पूछ रहे हो या छोटा मान के? स्वाभाविक है कहना पड़ा। बोले महाराज बड़ा मान के ही पूछा जाता है, गुरु मान के ही पूछा जाता है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, तो बड़ा ऊपर बैठता है या छोटा ऊपर बैठता है, गुरु ऊपर बैठता है या शिष्य ऊपर बैठता है? बोले महाराज गुरु ही बैठे का ऊपर। तो बोले पहले तुम नीचे उतरो। नीचे उतारा, ऊपर स्वयं बैठ गए, राजा को लेके बैठा दिया। फिर बोले आप पूछो। बोले महाराज ईश्वर क्या करता है? बोले अभी तक तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। बोले अभी तो आपने दिया ही नहीं है। बोले प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देने की जरूरत ही क्या? बोले जो नीचे होता है उसको ऊपर कर देता है, जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देता है, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सर्व समर्थ है। पहले का क्या है, भले दृष्टांत है लेकिन कहें का यह है, अगर सुनने वाले में विनय नहीं है, सुनने वाले में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वक्ता के प्रति भाव नहीं है, तो सुनने का वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, कथा अपना काम करेगी, संस्कार पढ़ेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तो नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, यदि ना तो कहे क्षमम, यहाँ मैंने देखा है गोविंद हरि जी इतने विनम्र है, इतने विनयी है।